हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा चौधरी। मैंने बोला था आपको मैं सोफे के कवर चेंज कराने वाली हूँ कपड़ा, तो देखिए मैंने सोफे का कपड़ा चेंज करा दिया है। और जो बाकी का सामान है इधर रखा हुआ है, जो इसमें ख़राब गद्दी निकली थी, देखिए ये रहे, ये फुल वेस्ट है। और इसमें हमने कुछ इस तरह की गद्दी लगवाई है, जहाँ ख़राब हो रहा था वहाँ पे गद्दी लगवा दी, और बाकी का इधर हमने लगवाया नहीं है। आपने देखा होगा मेरे सोफे में इधर एक एक्स्ट्रा गद्दी लगी हुई थी साइडों में यहाँ पे, तो वो सब मैंने निकलवा दी है। मैंने पूरा प्लेन करा दिया है, तो इसका लुक फाइनल ये आ रहा है। अभी इसमें एक काम बचा हुआ है, यहाँ पे इसमें और डिज़ाइन देना है, प्लाई बोर्ड लगेगा उसके ऊपर कपड़ा वगैरह फिट होगा, तो वो कल होगा काम। ये देखिए फाइनल लुक इसका, ये जो प्लाई बोर्ड आएगा उस पर ये कपड़ा लगेगा, ये है इसका कपड़ा, कुछ इस तरह का है। मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। सुबह 11 बजे आए थे और 11 बजे से वो 9 बजे गए हैं रात में सारा काम करके। ये देखिए, पहले आपने ये सोफ़ा मेरी वीडियो में देखा होगा, और ये मैंने कल वाली वीडियो में दिखा दूँगी और नहीं देखा होगा तो। और इस ये वाला सोफ़ा देखिए कितना फ़र्क है दोनों में। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कि हमें कितनी रेट में पड़ा है, कितना कपड़ा है, कितना लगाने वाले ने लिया है, तो आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये सोफे की गद्दी बहुत ख़राब हो रहे थे, चूहे ने खा ली थी, तो उनमें पूरा मतलब गैप हो रहा था जगह जगह, तो जिसकी वजह से हमने गद्दी फिर चेंज करा दी इसकी। बहुत प्यारा सोफा लग रहा है ये देखिए, थोड़ा सा काम हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। पहले वो बहुत ओल्ड ज़माने का लग रहा था, अभी देखिए बिल्कुल एकदम नया लुक आया निकल के। इधर साइड कुशन कवर, मतलब कुशन रख जाएंगे, मतलब तकिए छोटे छोटे जो आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। ये देखिए पूरा सामान आज फैला हुआ है इधर का, इसका कपड़ा जो हमें पड़ा है वो है 10,000 का। ये देखिए ये कपड़ा 10,000 का पड़ा है हमें। डार्क कलर हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये बच्चा घर में छोटा है, छोटे बच्चे के साथ में डार्क कलर ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए हमने डार्क कलर लिया है। सबको बहुत पसंद आ रहा है सोफ़ा। फर्स्ट हमने सोचा था हम येलो वाला सोफ़ा लेंगे, फिर इस सोफे को हम बेचना चाह रहे थे, पर नहीं, मैं चेयर नहीं लेना चाहती थी। मैंने सोचा क्यों ना इस सोफे को ही हम सही कराएं अच्छे से, तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए। यदि आपके घर में सोफ़ा ख़राब हो चुका है, जैसे मेरा सोफ़ा था, उसका कपड़ा भी ख़राब हो चुका था और अंदर गद्दी भी चूहों ने खा ली थी, गाँव में थे तो चूहे ने खा ली थी उसकी, तो आप भी इस तरह ठीक करा सकते हो। और कोई भी लुक दिवा सकते हो अपने घर पे ही सोफे में, यदि लकड़ी अच्छी है। इसकी लकड़ी और स्प्रिंग बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, बस गद्दी में प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो वो हमने बिल्कुल सही करा दी है। तो फाइनल लुक ये निकला है। आपको मेरा सोफ़ा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक और शेयर और कमेंट भी करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सोफ़े को लेके आऊँगी, इसका फाइनल लुक क्या आया है। और जिन्होंने ये सोफ़े का काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, कहीं भी कपड़े में
इकट्ठा नहीं होता है देखिए कहीं से भी कपड़ा, एकदम बिल्कुल टाइटली कपड़ा लिया है उन्होंने, कहीं भी कोई ज़रा सा भी लूज़ कपड़ा नहीं छोड़ा है उन्होंने, देखिए कहीं पे भी लूज नहीं है कपड़ा। तो बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है। आप भी यदि गाज़ियाबाद या आसपास से हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप इनसे काम कराना चाहते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।